नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ और जी मीडिया के इस स्पेशल शो विरासत में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे रामपुर के नवाब खानदान की, जिसके बारे में कहा जाता है कि रामपुर नवाब खानदान के पास खुद की रेलगाड़ी हुआ करती थी, जिससे वह सफर करते थे। तो चलिए हम भी चलते हैं रामपुर नवाब खानदान की जिंदगी के सफर पर। आजादी से पहले अपने देश भारत में रामपुर के नवाबों का एक अलग रुतबा हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि उनका अपना खुद का रेलवे स्टेशन हुआ करता था। जब भी उन नवाबों के परिवार वालों को कहीं घूमने जाना होता था तो वह उसी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये रुतबा कम होता चला गया और धीरे धीरे ये रेलवे स्टेशन खंडर का रूप लेता चला गया। आज की बात करें तो वहाँ एक साइकिल स्टैंड है जहाँ लोग अपनी साइकिल लगाते हैं। साल 1774 से 1949 तक भारत में नवाबों का राज हुआ करता था। रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां थे। भले ही आज नवाबी दौर खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी उनकी बनी हुई इमारतें उन नवाबों के दौर की याद दिलाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का एक वक्त होता है जिसमें पूरी दुनिया उसकी होती है। एक वक्त जहाँ रास्ताही अंदाज में रेलगाड़ियों की बोगी खड़ी रहती थी, आज वह जगह खंडर का रूप ले चुका है। इतिहास के पन्ने को पलटने पर पता चलता है कि रामपुर के उस वक्त के नवाब हामिद अली खान ने अपना रेलवे स्टेशन बनवाया था। साल 1925 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे सेवा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली, तभी नवाब हामिद अली खान ने 40 किलोमीटर लंबी अपनी पर्सनल रेलवे लाइन बिछवाई थी। इसके अंतर्गत 3 रेलवे स्टेशन आते थे, रामपुर नवाब रेलवे स्टेशन, उससे कुछ दूरी पर रामपुर रेलवे स्टेशन और फिर मिलक। लेकिन आज़ादी के बाद साल 1949 में रेलवे भारत सरकार के जिम्मे में आ गई, जिसके बाद रामपुर के नवाब ने रामपुर रेलवे स्टेशन और 2 सैलून रेलवे भारत सरकार को सौंप दिया। तो ये थी रामपुर के नवाबों के खुद के रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी की वो कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो विरासत के इस खास एपिसोड में इतना ही। अगली कड़ी में फिर से किसी और ऐतिहासिक इमारत या ऐतिहासिक जगहों की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जी मीडिया। धन्यवाद।